जिन मीठे बतासों को हम अपने घरों में तीज त्योहारों पर इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है यह मीठे बतासे किस प्रकार से बनाए जाते हैं? नहीं पता तो आइए लोकल 18 बताता है आपको कि यह मीठे बतासे किस प्रकार से और कौन कौन से प्रोसेस से होकर के इनको बनाया जाता है। बतासे बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि मीठे बतासे बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी को धीमी आंच पर गर्म किया जाता है। जब यह चाशनी अच्छी तरह से पक जाती है, उसके बाद इसमें बतासे बनाने के विभिन्न प्रकार के मसाले डाले जाते हैं। उसके बाद में इन्हें बड़ी बारीकी तरीके से लकड़ी की चिड़िया के साथ में एक एक कर जमीन पर डाला जाता है। उसके बाद में इन्हें बतासों का शेप दिया जाता है, जिससे यह बतासे के शेप में अपने आप ढल जाते हैं और इन्हें ठंडा होने के बाद में समेट लिया जाता है। उसके बाद इन्हें कार्टून में पैक करके बाजार के लिए भेजा जाता है। कारीगर बताते हैं कि इन्हें बनाने बड़ी बारीकी का काम होता है, इसीलिए इन्हें बड़ी सावधानी एवं धीमी तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि इनकी जो चाशनी होती है वह काफ़ी गर्म होती है, जिससे जलने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन इन्हें तीज त्योहारों पर लोग काफ़ी अधिक मात्रा में पसंद करते हैं। ये बतासे हमारे चीनी के बनते हैं और ये होली दिवाली चीनी की मात्रा बहुत हम तो आवश्यकता पड़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग वहाँ ले जाते हैं बहुत ज़्यादा देखते हैं हमारे होली दीपावली। किस प्रकार का बनाने का प्रोसेस रहता है इसका? इसका चीनी से बनते हैं, इसमें मसाला डाला जाता है और घी छेदर डाले जाते हैं थोड़े से, उससे फुलाव आता है उनके लिए। क्या भाव रहता है इनका? इनका भाव रहता है करीब 62 रुपये किलो, 65 रुपये किलो। किस प्रकार से इनको हाथों से बनाया जाता है? ये दो तए होते हैं, तए में चाशनी आती है, गर्म होकर आती है, जो चाशनी जब उनको उतालते हैं फिर हाथों से फिर चिड़िया सी आती है लकड़ी की, उससे निकाली जाती है।